2024 के लिए जहां सियासी समीकरण तैयार हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में अलग ही लेवल का सियासी खेल चल रहा है। उद्धव गुट के सामने अस्तित्व की लड़ाई है और पार्टी का सिंबल शिंदे गुट को मिलने के बाद शिवसेना की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जरा तस्वीर देखिए। पर शिंदे और उद्धव समर्थक जो है वो कैसे एक दूसरे के सामने आ गए, नारेबाजी हुई, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हुई, स्थिति जो है वो बेकाबू हो गई थी, काफी सेंसिटिव स्थिति थी। अब समस्या ये है कि शिंदे जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के पास शिवसेना आ गई है और उनके समर्थक अगर भिड़ते हैं तो फिर क्या जिम्मेदारी उनकी ज्यादा नहीं बनती है। उधर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत दीजिए। हालांकि शरद पवार ने सलाह दी कि बेहतर है कि वो भी अब आगे बढ़ जाएं और नए सिरे से नए सिंबल के साथ अपनी राजनीतिक पारी का आगाज करें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो इससे अब तक आगे नहीं बढ़ पाए। शिवसेना ओरिजिनल थी, ऑरिजिनल है, ऑरिजिनली रहेगी। आम आदमी को पता है कि ये डिसीजन किसने और किसने बुलवाया है। अरे हम लोग शुरू से नहीं गए, हम लोग राजा नहीं है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद ठाकरे परिवार के पास ना तो पार्टी का नाम बचा और ना ही पार्टी का निशान, लेकिन महाराष्ट्र में छिड़े इस सबसे बड़े सियासी घमासान के बीच उद्धव ठाकरे को अब सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं का भरोसा है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे के पक्ष में चुनाव आयोग का ये फैसला एक तरह का धोखा है। यही वजह कि जब उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। आप कह सकते हैं भारी संख्या में उद्धव ठाकरे के समर्थक जो हैं वो जमा हुए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, जहाँ तक विजुअल दिख रहे हैं कि मातोश्री के अंदर के ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं एक तरह से आक्रामक रूप में दिख रहे हैं। यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और लोग एक तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर जमा हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आगे का कदम है, वो आगे का कदम क्या होगा। मातोश्री पर मौजूद हर कार्यकर्ता उद्धव के समर्थन में नारे लगा रहा था, चुनाव आयोग के फैसले को गलत बता रहा था। शिवसेना ओरिजिनल थी, ओरिजिनल है, ओरिजिनली रहेगी। वो क्या देश गद्दार है वो, गद्दार। अरे हम लोग शिवसैनिक है, हम लोग लाचार नहीं है, हम लोग लाचारी कभी पत करेगा नहीं पैसे के लिए। जान देंगे, जान साफ के लिए जान देंगे। डाका डालने वाले लोग कौन है हमारे तीर कमान पर और हमारे पार्टी पर? ये चोरों के सरदार कौन है उसका जल्दी हम उस बारे में खुलासा करेंगे। अब बात रही दूसरे चुनाव चिन्ह, उस बारे में तो चर्चा चल रही है, वो तो हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये चोर जो है तीर कमान के, धनुष बाण के, उस चोरों का वस्त्र हरण करेंगे। उद्धव अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, शीर्ष अदालत के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और हाल में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले ये आर पार की लड़ाई जिस पर महाराष्ट्र की सियासत जबरदस्त तरीके से गरमाई है। बिल्कुल हम चुनौती देंगे, आपको अभी भी निष्पक्ष लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। जिस राज्य में आचार संहिता जारी है उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष बाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं।
उद्धव ठाकरे के समर्थक आयोग के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इशारों इशारों में इस फैसले के पीछे केंद्र के दबाव का आरोप लगा रहे हैं। वहीं विरोधी इस फैसले के बाद उद्धव गुट को निशाना बना रहे हैं। चुनाव आयोग ने आज जो फैसला दिया है वो अघोषित जो आपातकाल हमारे देश में लग रहा है लागू हो गया है अभी उसका एक परिणाम है और इससे यही प्रतीत होता है कि हमारे देश में लोकशाही और संविधान बचा नहीं है, पूरे लोकशाही और संविधान का खून हो चुका है। वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं और धनुष बाण उनका नहीं। वो ही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिया है, जिनके बाजू में मेजॉरिटी थी, जिनकी विचारधारा सही थी, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो मुझे लगता है आज भोले जी का प्रसाद बहुत अच्छा उद्धव जी को मिला है। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का निशान तीर कमान मिल गया है, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में तनाव, आयोग के फैसले के बाद उद्धव के राजनीतिक भविष्य पर अटकलबाजी शुरू हो गई है। वहीं शरद पवार इंदिरा गांधी का हवाला देकर इस फैसले को बेअसर बता रहे हैं। चर्चा काही करता येत नाही, ॲक्सेप्ट करायचं, नवीन चिन्ह घ्यायचं, त्याचा काही फार परिणाम होत नसतो। मला आठवतं आहे की काँग्रेसमध्ये एकदा इंदिरा गांधी आणि हा वाद झाला, त्यावेळी काँग्रेसची वैरजोडी खून असायची, ती गेली, काँग्रेसने हात घेतला आणि लोकांनी मान्य केलं। तसं आता नवीन घेतली आणि लोक मान्य करतील, त्याचा फार परिणाम होत नाही। एक महिना चर्चा होईल। चुनाव आयोग के फैसले को सीएम शिंदे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, उद्धव लोकतंत्र का खात्मा बता रहे हैं। साफ है कि पार्टी के नाम और निशान को लेकर छिड़ी लड़ाई अभी और आगे जाएगी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत और गर्माएगी। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।